2 घंटे बर्बाद कर देते हैं जिसमें से निकलना कुछ भी नहीं है, या फिर वो डेली करंट अफेयर के नोट्स बना बना के अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं। करंट अफेयर इज अ गेम ऑफ मंथ, ठीक है। जब मुझे पता है मैंने एक मंथ में तो स्टडी आईक्यू पढ़ना ही पढ़ना है। हिमाचल की जो तैयारी कर रहा है किसी भी एग्जाम की, उसके लिए स्टडी आईक्यू बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और स्टडी आईक्यू इज वन ऑफ द सोर्स, आप आंख मूंद के उस पर विश्वास कर सकते हैं कि आपको क्वेश्चन पेपर में दिखना इजिली। 10 क्वेश्चन आ रहे हैं, उसमें से 8 क्वेश्चन स्टडी आईक्यू में से होते हैं मंथली। पर ये आपको देखना पड़ेगा, उसमें बैंकिंग के भी होते हैं। आपके लिए रेपो रेट इंपॉर्टेंट नहीं है, आपके लिए इम्पोर्टेंट है कि किसी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी का चेयरपर्सन कौन अभी आपका नियुक्त हुआ है, जैसे उस समय की चेयरपर्सन ऑफ यूपीएससी कौन है, या कर्गिस्तान की कैपिटल का नया नाम क्या है। आइडेंटिफाई करना सीखो करंट अफेयर इंपॉर्टेंट, कौन से करंट अफेयर इंपॉर्टेंट है। लेकिन एचएएस मेंस के लिए विजन का मंथली डॉक्यूमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि साइंस एंड टेक का अगर आप पोर्शन देखोगे सीधा सीधा क्वेश्चन आ रहा है उसमें 4 नंबर पे, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन चंद्रयान, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन मॉम जो आपका वो मिशन ऑर्बिटर मार्स मिशन है, 8 और 4 4 नंबर के आ रहे हैं। तो ये कहां से करोगे? ये आप विजन में से करोगे, या फिर पीटी 365 आती है, हर एक सब्जेक्ट की आती है, हिस्ट्री की ज्योग्राफी की, विजन ही निकालता है। पीटी 365 साइंस एंड टेक की बहुत 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 इंपॉर्टेंट है, साइंस एंड टेक की और एनवायरमेंट की, क्योंकि एनवायरमेंट के लिए सब लोग शंकर आईएएस पढ़ते हैं, क्योंकि शंकर आईएएस में भी 2 कंपोनेंट है। देखो हर चीज के 2 कंपोनेंट है, स्टैटिक और करंट। साइंस एंड टेक में, और साइंस एंड टेक में अगर ये पूछा जा रहा है कि 20 नंबर का क्वेश्चन आया था पिछली बार स्पेस मिशन पे, इसरो की कामयाबी बताओ कि क्या आया था ना क्वेश्चन, उसमें एक स्टैटिक पोर्शन होगा कि इसरो की स्थापना इससे समय हुई, ऐसा हुआ, उस समय ये हालात थे, लेकिन उसके बाद उसकी क्या अचीवमेंट्स रही, ये कहां से लिखोगे? किताब जब छपी होगी तो वो पुरानी छपी होगी। इसलिए मैं कह रही हूँ पीटी 365 विजन के डॉक्यूमेंट आपके लिए इन सब्जेक्ट्स के लिए इम्पोर्टेंट हो जाते हैं, और ये वही टॉपिक्स हैं जो आपको मेंस पार कराते हैं, क्योंकि बाकी तो सब पढ़ के आएंगे।